देखिए दोस्तों, हमारे पास एक कॉल आई थी अभी, और कॉल आई थी हमारे पास आज से लगभग 4 दिन पहले। समय नहीं मिल पाया, इस वजह से हम टाइम देते रहे इन लोगों को। और भैया जी से एड्रेस पूछते हैं। भैया जी एड्रेस बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू है जी, और मेरा गांव सुरला है जी, जिला बुलंदशहर है, तहसील अनूपशहर है। और हमारे कुएं में 2 साल से सांप रह रहा था। 2 साल से? हाँ रह रहे हैं जी, रह रहे हैं 2 साल से। अब हमें उसमें बहुत खतरा था। आपका पता लगा कि हमें यार किसी से यूट्यूब वगैरह पे हमने देखा जी, ये भैया हमारी सांप पकड़ती हैं, तो हमने इस वजह से इनको कॉल किया। ये यहाँ फौरन आए। हाँ, आपकी कॉल लगभग 4-5 दिन पहले आई जी थी जी, तो हम थोड़ा बिजी थे, समय नहीं निकाल पाए। आज समय निकाल करके तो तुम आपके पास आए हैं। तो सांप किसी ने छोड़े तो नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े। नहीं छोड़े किसी ने? छोड़े नहीं है, अपने आप ही से आ गए, अपने आप आकर के गिर पड़े। हाँ, 2 साल से हैं। हाँ, 2 साल से। चलिए दोस्तों, 2 साल से बता रहे हैं सांप। और सांप कौन से सांप है, देखा आप सांप को? देखा, एक तो फनिया, उसमें कोबरा से बोलते हैं, फनवाला। हाँ, अच्छा। और दो वैसे ही, दो वैसे हैं। चलिए, एक है कोबरा और 2 सांप अन्य हैं, उनको देखते हैं, वीडियो में दिखाते हैं आपको। और देखिए दोस्तों, सांप है, कीड़ा है, ठीक है। जंगल में अचानक किसी खड्डे में, कुएं में गिर पड़ते हैं, और लोग इनको डर के कारण निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि सांप जहरीले होते हैं अक्सर, और कुछ सांप बिना जहरीले होते हैं। लेकिन लोगों में भय यही है सांपों के प्रति कि सभी सांप जहरीले हैं, लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता है, ठीक है। सांपों को निकालेंगे हम, आपको बताएंगे क्लियर कौन सा जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है, ठीक है। वीडियो बने रहिए, स्टार्ट करते हैं रेस्क्यू। चलो आइए, कुआं दिखाइए, आइए कुआं दिखाइए एक बार। चलो देखिए, हमारे मित्र हैं बबलू जी, ये भी रेस्क्यू देखने के लिए आए हैं। एक बार लाइट जला लीजिए। चलो कोई लाइट इसमें जल आई ना, देखो दिखाओ। दोस्तों, एक तो है ये आपका सांप, ये है आपका स्पेक्टिकल्ड कोबरा जी, स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा वाला आपका रेड स्नेक। पहले कवर करें ना दे भाई। तुम यार नीचे तो आओ जनो, मैं आ जाऊंगा ना, कैमरा लेके नीचे आओ, कैमरा लेके अंदर भाई नीचे आओ, गलते किनारे सही करवा दो ऐसे। Thank you.
डिब्बा दे खोल के ज्यादा परेशान ना करो। दूसरी स्टिक दें ढक्कन दो, ढक्कन दो जल्दी। ढक्कन दो जल्दी, ढक्कन दो। ऊपर हाथ है, ऊपर 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 आप सारो कोई ना कोई बात है। लो बाबे, अरे ढक्कन मारो। चलिए जी, ये आपका आ चुका है। एक काम करते हैं, थैला लेके ऊपर लग गए। थैला दे दो नीचे। एक मिनट, वहाँ पे क्या वो ऊपर ले भाई, देख नीचे जाओ। नशे नहीं चल, दिखाओ सामने। दोस्तों कोबरा को हमने बंद कर लिया डिब्बे में, बिल्कुल सावधानी पूर्वक बिना इसको नुकसान पहुंचाए। भाई थोड़ा मदद कीजिए मेरी, हल्की सी चल रही है, हल्की सी आती है। चलो हटा ली, हाथ हटा लगाओ, ठीक है। दोस्तों कोबरा को बंद कर लिया है और इसको ऊपर पहुंचाते हैं। लाओ भैया, लो छड़ी में, छड़ी में ना, मैं दे दूंगा पकड़ा। लाओ बोल रहे हमारी है छोड़ू फिर छोड़ दे। मोड़ दे जाए भैया के सांप है ना जो हम पकड़ो, हमने भी हाँ अंधा है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये जो सांप पकड़ा है अभी रेटिशनर भी अंधा है, और अंधा ये हुआ है कोबरा के घुसकार से। घुसकार से, सही बात है, ठीक है। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर आए
डरो मत डरो मत डरो दाब लो ही दाब लो रुक जाइए भाई, एक और है ना, कोई नहीं है। अरे कोई नहीं दोस्तों, कॉमन करत का जोड़ा है ये भाई, मत कर भी। एक मिनट एक मिनट भाई, सोच करो दो, ये कर दे, खींच दे, आ खींच दे, आ खींच दे, और रह दे ना, और रहने वाले नहीं रहने, पूरी थलिया फैला दे यार। हां हां, हम ले कर दे वीडियो, बड़ी स्पीकर मुझे दाब दे दूसरा कॉमन करे सांप, ठेला वाला काम सांप पर बमा भी चल, कौन से कॉमन सांप आए, कौन से सांप आए, चलो इस प्रोग्राम पुश करो, नहीं करा पुश करो, नहीं करा, इधर कर लेंगे, इधर इधर कर लेंगे, इधर इधर बहुत बढ़िया है, समझो कि लेट इस चल आ वैसे भी ऐसे ज्यादा हम रोल लगेंगे फिर, ये कोशिश है गई सारे बात पर गई, पता लगी है, पता लगा हुआ, तुम अपना स्टिक हटाओ, हटा दूं, हां हटा लो, अपनी हटा ले, ले हटा ले, अब अपनी हटा, हटा लो अपनी, एक बार और दे दो, थोड़ी सी ले लो उसमें, चलो बोलियो, ऊपर डाल बोलियो, बोलो गोचर ना रहे, है अभी एक और, एक और बोलियो थोड़ा, कैमरा से यहाँ पे, ये है तीसरा और चौथा इसमें भी है, दो कैमरा करे तो एक, हाँ तो दोस्तों, हाँ ठीक है, यार कितने बार में चार बार, चार यहाँ पे किसे बोल रहे हैं, हाँ ये वो अपनी राजी थी आपको लेकर के, देख के आ गयो, चल दाब आगे, दाब आगे, दाब दाग 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 लो, बच्चा बच्चा है, तो बच्चा ना उनकी बहू है, छोड़ दे, नहीं ले ठीक है, ना ना बाबा जी बाबा देख लो, करो यार एक मिनट, हम तो कहाँ चीज़ डाल दे, दोस्तों पहला सांप निकला है किंग कोबरा, दूसरा रेड स्नेक, और चार निकले हैं ये कॉमन करत सांप, कुल मिलाकर पांच सांप जहरीले, एक बिना जहर वाला, चलो देखिए यहाँ पर ये कोबरा सांप की कोंचली, दोस्तों छह सांप निकले हैं कुएं में और छह के छह ऊपर पहुंचा दिए हैं, और हमारे बाबू भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में,
बिल्कुल टीम हमारी मजबूत है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी जहां भी रेस्क्यू करते हैं बिल्कुल सफल रहता है। भोले बाबा का आशीर्वाद है। चलिए चलते हैं बाबा। ये तो फिर जो यहाँ पे आ जाओ ईट पे ये पानी को। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आपके आशीर्वाद से हमारा रेस्क्यू सक्सेसफुल हो गया है। हमारे टीम के मेंबर सदस्य बाहर आ रहे हैं। दर्शक दिखाओ पीछे। दोस्तों ये है रेड स्नेक और बाकी जो जहरीला माल है वो इधर है। पकड़िए जी दिखाइए पहले। बिल्कुल जहर नहीं, किसी को ये सांप काट ले एक चींटी के बराबर भी जहर नहीं। ठीक है, बिल्कुल मत घबराना, लेकिन अपने बचाव में कोई भी है सांप कीड़ा पकड़ते काटने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन जहर नहीं होता है। देखिए ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारत का सबसे जहरीला सांप। अगर किसी को सांप काट खाए एक घंटे के अंदर अंदर जिला अस्पताल में जाकर के एंटीवेनम लेना बहुत अनिवार्य है। किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, कोई भी तंत्र विद्या कोई भी ओझा। साहब जी आगे आ जाओ आप, ठीक है। और देखिए अब इंटरनेट का जमाना है, वैज्ञानिक युग है, तो इनका इलाज सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से होता है एंटीवेनम लगा करके, ठीक है। इसके अंदर होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो हमारे शरीर में जा करके आदमी को सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल में लेता है, पूरा शरीर पैरालाइज यानी लकवा मार जाता है, ठीक है, और खून इंसान का जमने लगता है। एक घंटे में आदमी की मौत अगर एंटीवेनम ना मिले तो। एंटीवेनम होता है इनके ही जहर से बनाई हुई दवा, कहते हैं ना जहर को जहर काटता है। अच्छा दूसरी बात, अगर किसी को ये काट जाए दो बार तो टाइम घटकर बचा सिर्फ 30 मिनट, और 30 मिनट में कोई भी आदमी जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक बार काटे तो आदमी के 50% चांस हैं बचने के, और ये सांप काट गया दो बार तो सीधा ऊपर, ठीक है, कोई इलाज नहीं है। खोल दो भैया है, लेकिन एक फर्क है, इसका टाइम है 1 घंटे का, इनका टाइम है 3 घंटे का। अगर ये वाले सांप किसी को काट ले 3 घंटे से पहले एंटीवेनम ले लो, ठीक है, जिला अस्पताल में जाकर के। झाड़ फूंक इसमें भी काम नहीं आएगी, कोई झाड़ फूंक नहीं। अच्छा हाँ जी, पूरे भारत में जो अपने आप को अच्छा स्पेशलिस्ट बोले झाड़ फूंक वाला, 1 लाख रुपए इनाम है मेरी तरफ से अगर वो इस सांप के काटे को बचा दे तो। होता क्या है, देखिए मान के चलिए ये सांप किसी को काट गया, अब झाड़ फूंक वाले के पास पहुंचे, उसने देखी स्थिति देखी कि हाँ आदमी डेड है, वो बोलेगा भाई आपने देर कर दी, 1 घंटे पहले आ जाते मैं आदमी को बचा लेता। अच्छा ये वाला सांप है जिसे बोलते हैं धामिन रेड स्नेक, ये आपको काट गया, आप पहुंच गए झाड़ फूंक वाले के पास, उसने अपनी वो ड्रॉप पिलाएगा, आप ठीक हो गए, बोलेगा मैंने जहर उतार दिया, ठीक है। अब जब इसमें जहर है ही नहीं तो तूने क्या उतारा, और जिसमें जहर है उसका उतर नहीं सकता, उसका बहाना ये है कि भैया देर कर दी तुमने। हाँ वो तो पहले, हाँ तो चलो भैया चलो ले चलते हैं इनको। तो दोस्तों सांपों को अपनी केचिंग में ले लिया है, अब कुछ समय के बाद इनको रिलीज करेंगे। दोस्तों सांपों को रिलीज करने के लिए जा रहे हैं हम गंगा जी के पार, वन विभाग की जमीन है उधर, आबादी से दूर, क्योंकि ये सांप हैं सारे जहरीले, और ये हैं हमारी गंगा माँ अनूप शहर में। आराम से ऊपर वो झंडा दे दे भाई, कर दे चलो ये उल्टो करो, पहले उल्टो करो, बस बस बस, डरो मत डरो मत डरो मत।
अब चले जाए। तो दोस्तों इस जंगल क्षेत्र में एक सांप को रिलीज कर चुके हैं, बाकी सांप आप देखो कैसे जाएंगे।